गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कैसे हो भाई? सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर, सर एकदम बढ़िया। सर होगी सर, सर कौन सी प्रिपरेशन? एग्जाम वगैरह की बोर्ड, उसका एग्जाम होने वाला ना आपका, प्री बोर्ड वगैरह? सर यस सर, वो उसकी तो हो तो गया भी, बढ़िया चल चल रही रही है है सर, वो सर, तो हो गया सर। सर काफी बढ़िया चल रही है उसकी प्रिपरेशन। सर मेरा भी खत्म हो गया, अप्रोक्सीमेटली मतलब कि अब तो कवर मेरा हो सर गया अभी उसका आठ समय आठ तारीख से से है मेरे सर, मुझे भी आठ तारीख पता से? नहीं है। अच्छा ये सर 8 जनवरी से, पता करो और भाई, सर मेरा पता है भी तो आईडिया बढ़िया है यानी पता करना चाहिए ना कब है कब नहीं है एग्जाम। देखो अप्रोक्सीमेट आपको सब कुछ हो चुका है प्रीवियस क्लास में, सर। ये यूरिया साइकिल से रिलेटेड सर मुझे डाउट था कि सर जो आपने कहा कि सर मेटाबॉलिक जो प्रोटीन, तो ये प्रोटीन होते हैं सर, ये मेटाबॉलिक वेस्ट में कैसे निकलते हैं सर? ये मुझे पता, जैसे अगर किसी सेल ने अमीनो एसिड जैसे लिया देखो है तो सर देखो वो मैं बताऊँ, एक्सचेंज हमारी कैसे बॉडी के करेगा? अंदर बहुत, देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती है, चलती है ना, यस सर। चलती है ना। तो उसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट के, जो मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए मतलब प्रॉफिट नहीं देते, मतलब हार्मफुल होते हैं काफ़ी, ठीक है। उनमें से एक हो गया जैसे अमोनिया हो गया, कुछ और भी कंपाउंड्स है ना, मॉलिक्यूल्स है जो हमारे लिए प्रॉफिट नहीं देते, हार्मफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनको हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है, निकालना ही पड़ेगा एटलीस्ट उसने उन्हें, वरना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो निकालने का तरीका है सिर्फ एक, इसी साइकिल के थ्रू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। या एक यूरिक एसिड जो बनता है बॉडी के अंदर उससे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यूरिक एसिड मैं आपको बता दूँ, यस सर, जो यूरिक एसिड, मेजरली इस्तेमाल वो करते हैं बर्ड्स। यूरिक एसिड में होता क्या है, यूरिक एसिड में होता क्या है कि यूरिक एसिड बनता कैसे है, बनता है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्यूरिन, है ना, न्यूक्लियोटाइड, है ना, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्ट से, सच एज AMP हमारी बॉडी के अंदर होता है, IMP हमारी बॉडी के अंदर होता है, GMP हमारी बॉडी के अंदर, है ना, सर AMP की फुल फॉर्म क्या होती एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इजी है ना, है? सर इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आयनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो जो ये होते हैं है ना, इनके एंड प्रोडक्ट से मतलब जब ये डिकम्पोज होते हैं तो इनके जो जो रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट बचता है वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो वी नीड टू कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड वी एक्सक्रीट थ्रू द बॉडी, ठीक है, मतलब हम उसके एक्सक्रीट करा देंगे बॉडी से। तो हमें ना इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता हूँ एडिनोसिन में, ठीक है, इसको आइनोसिन में, ठीक है, और इसको किस में कर दे, गुआनोसिन में, गुआनोसिन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर एडिनोसिन कन्वर्ट हो जाएगा बाद में एडिनिन में, एडिनिन बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हाइपोजेंथिन में, हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोजेंथिन किस चीज में कन्वर्ट होता है बाद में, जेंथिन में, एंड जेंथिन फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये एडिनोसिन कन्वर्ट होता है किसके अंदर होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन के अंदर,
ठीक है, और गुआनोसिन कन्वर्ट होता है जैंथिन के अंदर, ठीक है ठीक है, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड, ठीक है। सर ह्यूमन में यूरिक एसिड फॉर्म होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है, यूरिया भी फॉर्म होता है। तो सर फिर हम यूरिक एसिड को फॉर्म कर देते हैं दूसरी में, यूरिया में निकालते हैं, पास आउट करते हैं बॉडी से, हम अमोनिया को पास आउट नहीं करते। पर सर मैंने तो सुना था कि हम सर जो बर्ड्स होती है वो मेजर में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती है। सर हम तो यूरियोटेलिक है ना सर, तो हम तो यूरियोटेलिक है, तो हम तो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। हाँ यूरियोटेलिक है, कुछ फॉर्म में हमारा यूरिक एसिड भी निकलता है, वो एक मिनिमम फॉर्म होती है, ठीक है सर। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर यूरिया, यूरिया जो होता है नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी, वो 0 to 50 मिली मोल तक है ना, मिली पर मोल तक हमारी नॉर्मल वैल्यू रहती है बॉडी के अंदर। जो जो क्रिएटिनिन हमारा होता है वो 0.5 से लेके और 1.2 तक नॉर्मल वैल्यू क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, और इससे ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। जो यूरिक एसिड होता है वो हमारा 5 to 7.5 समथिंग इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है, ठीक है। इससे ज़्यादा हो गया तो हमें प्रॉब्लम, मतलब इन्फेक्शन है इसका, मतलब अगर इनसे ज़्यादा वैल्यू होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारी किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। यस सर, तो जैसे लीकोसाइट काउंट बढ़ता है तो मतलब इन्फेक्शन है बॉडी में, या फिर लीकोसाइट, हां KIFB बोल देते हैं सर, है ना, किडनी। यस सर, ठीक है। तो इस वजह से तो ये नॉर्मल वैल्यू है, हमारे अंदर पोटेशियम भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू भी 3.5 to 5 तक मतलब रेंज रहती है इसकी, जो नॉर्मल काउंट किया जाता है। हमारे अंदर बॉडी के अंदर सोडियम भी होता है जो 135 से लेके 145 तक नॉर्मल वैल्यू रहती है हमारी, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो शॉक भी लग सकता है पेशेंट को, मतलब शॉक का मतलब हो गया कि कंडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे नर्व इंपल्स में पोटेशियम, बिल्कुल। तो ये चीज़ें नॉर्मल वैल्यू के साथ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन अमोनिया की जो अमोनिया होता है अमोनिया का कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं रहता हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम उसको एक्सक्रीट नहीं करवा सकते इसको, अमोनिया को। तो अमोनिया को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा किसके अंदर, यूरिया के अंदर। तो इसी को हम यूरिया साइकिल बोलते हैं, है ना, क्योंकि अमोनिया का एक नाइट्रोजन वेस्ट है, NH3 है, और यूरिया NH2। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। यस सर, सर जो यूरिक एसिड होता है सर वो बन गया एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, और सर जो हमारा यूरिया होता है और अमोनिया होता है सर ये मेटाबॉलिक वेस्ट से बनते हैं, तो सर कोई डीएनए जो डीएनए आरएनए ये सब इनका जो वेस्ट होता है सब यूरिक एसिड से बनता है, या फिर ये कभी कभार यूरिया में भी फॉर्म हो सकते हैं? मतलब वो हमारा उसमें डिपेंड करेगा कि वो क्या किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, समझ लो। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो आप जो प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, मतलब जो आप क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन से पहले वाला होता है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है, वो हमारा क्या प्रोडक्ट बना रहा है, और उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है। बाय प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि बाय प्रोडक्ट कौन से कंडीशन का है, क्या वो नाइट्रोजन वेस्ट का है या विदाउट नाइट्रोजन वेस्ट का है, ठीक है। Yes. ये चीज़ सर, एक ईसीजी सर, अगर बॉडी में यूरिक एसिड कम हो जाए तो क्या होगा? सर अगर बॉडी में यूरिक एसिड कम हो जाए तो क्या होगा? बॉडी के अंदर यूरिक एसिड कम हो गया तो इसका मतलब आपकी ये एएमपी आईएमपी जीएमपी एटीपी वगैरह ये सारे के सारे मतलब ये डिकम्पोज नहीं हो पा रहे सही तरीके से। देखो सिंपल सी मैंने आपको बताया था कि एटीपी जो होता है वो किस में टूटता है, एडीपी में, और एडीपी किस में टूटता है, एएमपी में, है ना। ये मतलब जो एएमपी है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म है किसकी, एनर्जी। सिंपल सी बात है, इसका मतलब अगर आप एएमपी नहीं बना पा रहे तो आपकी एटीपी डिकम्पोज नहीं हो पा रही है। yes. तो हर चीज एक दूसरे से अटैच्ड है। तो एक बार आपको ईसीजी और समझा दूं मैं आपको।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ग्राफ में क्या डिफरेंस? देखो बता दो, मैं आपको बताता हूँ ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है। आज कौन सा टॉपिक होगा? ईसीजी होगा। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर लीव हो जाएंगे आप थोड़ी देर में।
अगेन गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. यस सर, हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फेस टू फेस मुलाकात करेंगे आपसे किस दिन. सर ये जितना हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है सर, उतना केवीपीवाई के लिए सफिशिएंट है या उससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है? सफिशिएंट है यार, उतना नहीं पढ़ना पड़ता. मैं रियलिटी बताऊं मैं आपको, जितना ये पढ़ दे ना तो ये 11th क्लास को टच कर रहा है. यस सर. अच्छा, कांसेप्ट क्लियर हो ना तो वो चाहे कहीं से भी आ जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आ जाए ना तब भी आप लोग कर लोगे. ठीक है सर. हां सर, जैसे कि एटीपी और फिर एडीपी में बनता है और फिर सर वो डिकम्पोज होता है एएमपी में, तो सर ये आईएमपी कैसे बनता है? क्या चीज सर? फिर आईएमपी और जीएमपी कैसे बनते हैं? देखो जी, ये जो ये भी एक एनर्जी की फॉर्म ही है, ये भी एनर्जी की फॉर्म है. आपने मैंने आपको जीटीपी पढ़ा हुआ, मैंने आपने जीटीपी yes, मैंने उसमें क्रैब साइकिल में पढ़ाया था मैंने आपको. तो ये सर एफडीएच की बताया मैंने उनकी, ये डिकम्पोज फॉर्म है. यस सर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है उनकी. देखो चलो ये आ नहीं रहा वापस, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ. ईसीजी. यस सर, यहीं से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ईसीजी. देखो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी ग्राफ. ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम. ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों के दोनों ही सेम चीज़ें हैं. हम ईसीजी में करते क्या है, जैसे कोई हार्ट का कोई फंक्शनिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इम्पल्स पे, है ना? यस सर. ठीक है, सर इम्पल्स की वेव्स होती है, डिपेंड करती है हार्ट का जो फंक्शन है, है ना? यस सर. ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफ, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपल्सेस. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. सर ये लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है ड्यूरिंग, नहीं किसी मतलब मैं सर कार्डियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से ये, उसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं मेरे को. उसके बाद बस ये कि आप रिवाइज करते जाओ, डाउट निकले क्योंकि मैं 28 से मैं आपको 28 या 29 या एक तारीख से, एक से या नहीं या दो से मैक्सिमम मैं आपको मतलब फेस टू फेस भी मैं मिलूंगा आपको, है ना? तो मिलना तो आ जाना. हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ईसीजी. देखो ईसीजी को, देखो मैंने आपको ना हार्ट में जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो दो चीज़ें बताई थी मैंने आपको. एक बताया होगा मैंने आपको डीपोलराइजेशन क्या होता है. यस सर, ये तो डीपोलराइजेशन, ये तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था सर, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में. एक मैंने बताया था डीपोलराइजेशन क्या होता है सर, ये भी उसी में पढ़ा था हमने. यस सर, डीपोलराइजेशन ये सर ये होता है कि अगेन पोटेंशियल का रीगेन होना और डीपोलराइजेशन की पोटेंशियल कम हो जाना, दोबारा से पोलैरिटी मेंटेन हो जाना. यस, मतलब कैसे समझाओगे क्या होता है ये सर? जब सर सबसे पहले तो सर रेस्टिंग पोटेंशियल, सर सबसे पहले तो सर रेस्टिंग पोटेंशियल होता है सर. रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद जब जहां पे किसी स्पॉट पे नर्व इंपल्स हिट करता है तो सर वहां पे क्या होता है, वहां पे चीजें डीपोलराइज हो जाती हैं. तो मतलब जब चीजें मतलब एक्साइट हो जाती चीजें. यस सर, और सर पोटेंशियल आता है 70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो गेन हो जाता है. उससे क्या होता है सर कि उससे सोडियम पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं. तो फिर सर वहां देखो इन दोनों में आसान तरीका है. तो वी का मतलब मान के चलो रिलैक्स. ठीक है, री का मतलब क्या होता है? रिलैक्स. रिपोलराइजेशन तब होगा जब रिलैक्स फेज आएगा बॉडी के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर. तो हार्ट के अंदर रिलैक्स फेज कब आएगा? जब डायस्टोलिक कंडीशन होगी, है ना? सिस्टोलिक में पंप होता है ना. तो री का मतलब हो गया रिलैक्स, रिपोलराइजेशन का मतलब हो गया रिलैक्सेशन फेज. रिलैक्सेशन
फेज, ठीक है, या फिर रेस्टिंग फेज, ठीक है, रिलैक्सेशन फेज या फिर रेस्टिंग फेज या फिर डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक कंडीशन, ओके। और डीपोलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, एक्साइटेशन। यस सर, कंडीशन एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। एक्साइटेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज, या फिर सिस्टोलिक कंडीशन, ठीक है, हो गई थी। यस सर, यस सर। देखो डीपोलाइजेशन का मतलब आप समझ गए हो, रीपोलाइजेशन का आप मतलब समझ गए हो, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा इसके ईसीजी के अंदर। जब सर होता क्या है हार्ट के अंदर, एक मिनट रुक जाओ, मुझे कंप्लीट करने दो एक बार। जब हार्ट के अंदर होता क्या है, हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है सर, वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और फिर उसके बाद सर अदर ऑर्गन्स में उसे पंप कर देता है। अब ये नीचे नहीं जा रहा, ऐसे ही कुछ है ना। यस सर, हार्ट सर, एडल्ट ह्यूमन हार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है सर, सर ऐसे नोड होता है और फिर एवी नोड होता है और फिर बंच ऑफ बंडल ऑफ हिज होता है और फिर उसके बाद सर नर्व फाइबर्स होती है। ये होता है एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, बिल्कुल। और ये क्या होता है, एवी नोड, एवी नोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है सर, बंडल ऑफ हिज होता है, बिल्कुल। ये है बंडल ऑफ हिज, ठीक है, ओके। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, ये कौन सी है, एओर्टा, एओर्टा। और ये इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा। सर हाँ बोलो सर, इन्फीरियर वेना केवा तो नीचे होती है ना सर, इन्फीरियर ऊपर होना चाहिए, सुपीरियर ऊपर होना चाहिए सर, यही मैं चेक कर रहा था आप लोगों का। यस सर, मैंने आप कहा था कि सुपीरियर मतलब ऊपर होता है, इसलिए यही मैं चेक कर रहा था कि आप लोग पता भी है या बस ऐसे लिखे जा रहे हो या बोले जा रहे हो। सर पता है, देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो होता क्या, देखना ये वाला डायग्राम देखना और नीचे जो मैं बना रहा हूँ वो देखना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, समीर से डेफिनेशन रह गई सर वाली, ईसीजी के से दिखा दीजिए। देखो
हाँ बिल्कुल सब कुछ दिखाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ बेटा। देखो हमने हम बचपन से ऐसे पढ़ते रहते हैं, है ना? सर ये तो कंप्यूटर से मैं चलता रहता ना। बिल्कुल मॉनिटरिंग करते हैं इसकी हम। जो ये पहले जो ये पहली वेव है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वेव आपको दिखाई दे रही है यहाँ, ये वाली, पी इसको वेव बोलते हैं पी वेव। पी वेव, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू वेव, इसको बोलते हैं आर वेव, इसको बोलते हैं एस वेव, एंड फाइनली होता है टी वेव। ठीक है, तो पी क्यू आर एस सर, टी। तो ABCD है हाँ, मतलब 5 वेव्स होती हैं टोटल। ये जो है हमारा, ये जो है हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारा पी आर इंटरवल, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा क्यू टी तक, है ना, क्यू क्यूटी इंटरवल। टी, क्यू टी, है ना, क्यू टी। अच्छा बड़ा इंटर इंटरवल, ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ से लेके यस और यहाँ तक, ये हमारा क्यू आर क्यू एस कॉम ड्यूरेशन, है ना, ड्यूरेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जब पी यस सर। वेव, हाँ अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यस सर, जो पी वेव होता है, जो पी वेव होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ आर्टरी। क्या होता है वो? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ आर्टरिया, ठीक है। यस सर, यस सर। सेकंड मैंने लिखा है क्यू आर एस। जो क्यू आर एस ड्यूरेशन है, या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, ये तब बनता है जब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। यस सर, यस मतलब पी वेव तब बनेगी जब ऊपर वाले चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और क्यू आर एस वेव तब आएगी जब नीचे वाले चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सर हाँ जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सर फिर वो डाउन थोड़ा जाएगा सर, वो तो ऊपर जाएगा, तो सर क्यू में वो डाउन क्यों जा रहा है सर? क्यू में तो ऊपर जाना चाहिए, हाँ क्यू आर एस बताऊंगा, में। अभी अभी वही चीज़ समझाएंगे हम आपको, वही चीज़ समझाएंगे अभी आपको। एक तीसरे वाला है टी वेव, लास्ट वाला। जो टी वेव होता है वो एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट ऑफ वेंट्रिकल, मतलब एक्साइट जो स्टेट हुआ है पर क्यू आर एस, वो नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। तो टी वेव तब बनती है जब एक्साइटेड टू नॉर्मल, टू नॉर्मल स्टेट ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो टी वेव कब आती है? जब डाइस्टोलिक की साइड हमारा वेंट्रिकल जा रहा होता है, ठीक है। और क्यू आर एस तब आती है जब वेंट्रिकल्स में एक्साइटेशन है, पी वेव तब आती है जब आर्टरी के अंदर एक्साइटेशन है, ठीक है। ओके यस सर, बस इतना मैंने लिखवा दिया, इतना आप समझ लो कि हाँ ये होता ही होता है ऐसा, यस सर। देखो। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, आप लिखवा दीजिए पहले। अब मेन चीज पे पकड़ते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ECG। ECG के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस कब आती है? सबसे पहली स्टेज कब आती है? सबसे पहले का मतलब है कि
सर ये ईसीजी है क्या? इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हार्ट की फंक्शनिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनसाइड द हार्ट, ठीक है? तो सर वो मतलब जो हॉस्पिटल में वो डिब्बा टाइप सा होता है जिसमें लाइनें बनती रहती है, वही और जब कोई मर जाता है तो सीधी लाइनें आ जाती हैं, तो उसको तो मॉनिटर बोलते हैं, उसको तो मॉनिटर बोलते हैं। तो होता क्या है कि मान लेते हैं ये एक पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही लेटा हुआ ना, ऐसे हुआ है ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, है ना? इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड कैसे लगाते हैं? तीन इलेक्ट्रोड तो हम यहाँ लगाते हैं वेंट्रिकल साइड में, क्योंकि मान लेते हैं कि हमारा हार्ट यहाँ पे है, एच हमारा यहाँ पे है, एच हमारा यहाँ पे है, ठीक है? तो वेंट्रिकल यहाँ पे होगा इसका, है ना? इधर की साइड वेंट्रिकल होगा, है ना, लेफ्ट में। तो यहाँ पे हम तीन इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? जैसे 1, 2, 3 और तीन इलेक्ट्रोड हम आरटे की साइड लगाते हैं इस टाइप से, मतलब एक ही लाइन में होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एडिशन कर दिए, इस टाइप से होती है और इस टाइप से इलेक्ट्रोड लगते हैं, ठीक है? और एक इलेक्ट्रोड हम पैन में लगाते हैं, क्लिप सी। क्लिप तो हम हाथ में लगाते नहीं, हम पैरों में लगाते हैं, यूज़ करते हैं। और एक हम यहाँ पे मतलब एंकल पे लगाते हैं, सॉरी एंकल पे, है ना? ये एंकल वाला एरिया है सर। करना क्यों है ऐसा? एक क्लिप में ताकि रिकॉर्ड हो ना, इसीलिए हमारी मतलब रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्यों करना है हमें? ताकि फंक्शनिंग पता चले हमें हार्ट की, फंक्शन तरीके से कर रहा, पता चले वो ठीक से काम कर रहा है उसका दिल या नहीं। हाँ, तो ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये, तो मतलब सर जितनी भी बीमारियां होती है वो हार्ट के फंक्शनिंग पे डिपेंड करती है? नहीं, जरूरी नहीं है। तो फिर हम हार्ट की फंक्शनिंग क्यों देख रहे हैं? क्या पता उससे इफेक्ट हो रहा हो हार्ट। यस सर, क्योंकि बॉडी में सर्कुलेशन तो ब्लड ब्लड का ही हो रहा है, और सर जो इन्फेक्शन होगा बॉडी में ही होगा, तो इन्फेक्शन के की वजह से डिफरेंस तो आएगा ही ना सर। तो मॉनिटर दिखाई देगा, ये मॉनिटर है, ठीक है? ऐसे सर, और यहाँ पे ऐसे चलता रहता है सर, ठीक है? यहाँ पे हमारा हार्ट रेट आता है, यहाँ पे बीपी, यहाँ पे सैचुरेशन, ठीक है? यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट, ऐसे चलता है मॉनिटर हमारा, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोड है हमारे, इलेक्ट्रोड है, ये एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है? रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एंड वो जाके ग्राफ बनेगा इस मोटर में जाके, ठीक है? तो कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है इसके अंदर, जैसे सबसे पहले होता है आर्ट्रियल आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या होता है सबसे पहले? आर्ट्रियल आर्ट्रियल सर जी। हाँ जी सर, आपने बताया कि सर इस मॉनिटर पर सर एच हार्ट बीट और बीपी और सर ये है, तो सर हम देखता कौन देखते कौन से हैं हम? सर हम तीनों को देखते हैं या फिर एक पर्टिकुलर? सारे सारे देख लेंगे सर, अगर एक में डिफरेंस आया तो बाकी में होगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सर एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रीज पर भी पोल्स जो है वो डीपोलराइज होंगे सर। सर मैं हार्ट की तो मॉनिटरिंग करनी है, हम पैर पे वो लगा रहे हैं।
भाई ये रिकॉर्ड किया जाता है एक्टिविटी बॉडी के अंदर कि कितने प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो? यस बीपी के लिए सर। सर तो फिर हम हाथों पे करने लगाते सर, हम सर पे करने लगाते हैं सर, ऊपर भी लगाना पड़ेगा, हमने चेस्ट लगा तो रखा हमने यहां पे सर, तो उससे उतना एरिया हो जाता है हाथ वाला। हां वो रिकॉर्ड हो जाता है सर। इस साइड में क्या लिखा है? ये मैंने नॉर्मल वैल्यू लिखी है सबकी। ओके चल, ओके सर फिर स्टार्ट करते हैं सर। पी वेव और ये सब आर्टेरियल डिप्लोइशन, सबसे पहला स्टेप होता है आर्टेरियल डिप्लोइशन, ठीक है? तो आर्टेरियल डिप्लोइशन कब स्टार्ट होता है? एट्रियल एक्साइटेशन की वजह से। इनिशिएशन ऑफ इनिशिएट बाय द एसए नोड। एसए नोड क्या करता है? सबसे पहले इनिशिएट करता है किसको? इंपल्स को, है ना? एंड कॉजेस पी वेव, ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। तो सबसे पहले आर्टेरियल डिपोलाइजेशन होता है। डिपोलाइजेशन कैसा होता है? जो एसए नोड होता है वो इंपल्स को जनरेट करता है, एंड इंपल्स को जनरेट करने की वजह से जो आर्टेरिया वाला पोर्शन है उसमें क्या हो जाता है? डिपोलाइजेशन हो जाती है, मतलब एक्साइटेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है? फिर सेकेंडली क्या yes, होता sir. है? फिर सेकेंडली क्या होता है? फिर होता है विद आर्टेरियल डिपोलराइजेशन कंप्लीट। तो हमारा फिर क्या होता है? डिपोलराइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले इनिशिएशन हुआ, फिर वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो कंप्लीट कब होगा? कब होगा? इंपल्स सर जब एट्रियाज में से ब्लड रिलीज हो जाएगा। डिलेड एट द एवी नोड, ठीक है? कब होगा? जब इंपल्स क्या हो जाएंगे? डिलेड कर देंगे एट द एवी नोड्स। तो क्या होता, क्या देखो, होता क्या? यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया, ये एसए नोड ने इनिशिएशन स्टार्ट किया। ये एसए नोड है, इन्हें इंपल्स को जनरेट किया, ठीक है? इंपल्स जनरेट हुआ, इंपल्स यहाँ फ्लो करा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है? ऐसे गया, फिर ये आगे गया, आगे गया, इंपल्स इंपल्स आगे गए, इंपल्स आगे गए, पूरे में फैल गए, ठीक है? ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है? आगे गए, आगे गए, तो पूरे में फैल गए। तो पूरे में ये जितने में इंपल्स जाता चला, मतलब जाता जा रहा है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है, ठीक है? तो फाइनली कॉन्ट्रैक्शन हो गए। ये सर ये नोड्स पे होता क्या है? क्या सर ये नोड्स पे होता क्या है? हमारे नोड्स पे होता क्या? अच्छे बताओ मुझे, आपने क्या पढ़ा है अभी तक हार्ट्स के बारे में? सर हार्ट के बारे में, नोड से इंपल्स का कंडक्शन होता है और सर इंपल्स का जनरेशन होता है। सर हमने तो हार्ट में नहीं पढ़ा था ये एसए नोड और एवी नोड। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ा था सर, ये तो गलत बात है। सर जब आपने ईसीजी पहले, सर आपने पहले जब सर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था तो ये नहीं पढ़ाया था। यस सर ये नहीं बताया था आपने। यस सर वो सही कह रहा है, ये नहीं बताया था सर। उदय सर, उदय तो अपने से पढ़ता रहता है, उसकी बात अलग है, उससे मत कंपेयर करो हमें। अच्छा अच्छा कोई नहीं, अब तो मैं बता रहा हूं ना आपको सर। तो एस नोड्स पे बेसिकली क्या नर्व फाइबर कनेक्ट होते हैं? देखो एसए नोड एक ना पेसमेकर होता है हमारा। एसए नोड क्या होते हैं? पेसमेकर होते हैं। पेसमेकर वो होते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट इंपल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है? इंपल्स को जनरेट कर, मतलब जो सिग्नल को जनरेट करते हैं, ठीक है? तो एसए नोड को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है एसए नोड की? साइनो एट्रियल नोड। बिल्कुल ठीक है, तो फुल फॉर्म लिखवाने की जरूरत है क्या मुझे? नो सर याद है सर, उसे याद होगी। चलो लिखवा देता हूँ मैं, मुझे नहीं पता था आपको बिल्कुल भी, मतलब आइडिया नहीं इन चीजों का सर, मुझे है सर। सर तो सभी को लेके चलेंगे ना, ठीक है?
और ए बी नोट का मतलब होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो ए ऐसे नोड होता है वो इम्पल्स को जनरेट करता है, और ए बी नोड क्या होता है ये इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम द ऐसे नोड एंड ही सेंड द इम्पल्स टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द हार्ट, है ना, ये वाला पार्ट पे लोअर पार्ट पे भेजता है। तो ये आगे ये फॉरवर्ड करेगा ए बी नोड, ठीक है। ऐसे नोड का काम होता है जनरेट करना, और ए बी नोड का काम होता है कि वो आर्टरी से वेंट्रिकल साइड पे इम्पल्स को भेजना, ठीक है। तो ये हमारे पेसमेकर होते हैं। ऐसे नोड क्या हमारा पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है, जो इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है। तो जैसे इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुए हैं तो आगे फॉरवर्ड होगी, जितना भी ये फॉरवर्ड तो जा रहा है तो इतना एरिया क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। तो फाइनली कॉन्ट्रैक्शन पूरा कंप्लीट होगा तो ए बी नोड्स पे आके सारे सिग्नल मिल जाएंगे, इसे कैरी कर लेगा सिग्नल ये, एंड फिर ये रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए, मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है रिलैक्सेशन की साइड जाएगा, और ये इम्पल्स को नीचे नीचे क्या करेगा भेजेगा इम्पल्स को, है ना, सेंड करेगा इम्पल्स को नीचे वाली साइड पर, है ना। तो नीचे इम्पल्स को भेजेगा किसके थ्रू, बंडल ऑफ फिश के थ्रू। ये एरिया क्या है बंडल ऑफ फिश का है हमारा ये, ठीक है। तो बंडल ऑफ फिश के थ्रू ये नीचे वाले पोर्शन को क्या भेजेगा इम्पल्स भेजेगा। तो देन ये नीचे वाले पोर्शन पे इम्पल्स जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे नीचे वाले पोर्शन पे इम्पल्स जाएगा, एंड इम्पल्स जाके दोबारा से बैक कर जाएंगे ऊपर की साइड, एंड यहाँ पे आके ये खत्म हो जाएगा इम्पल्स, ठीक है। क्योंकि सर तो ये इम्पल्स वापस से ऐसे नोड पे चला जाएगा, ऐसे नोड पे जाएगा, यहाँ पे आके ये डिफ्यूज हो जाएगा इम्पल्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोटिंग नहीं होती किसकी मसल्स की, है ना, यहाँ पे क्या होता है ना इम्पल्स की कोटिंग नहीं होती यहाँ पे, इस वजह से ही सिर्फ यहीं पे आके रुक जाएगा इम्पल्स, ठीक है। तो जितना भी ये पहुँचेगा ऊपर तक ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर ये, ठीक है। जैसे ये इम्पल्स क्या होगा मतलब नहीं मतलब ये खत्म हो जाएगा इम्पल्स, मतलब जो जनरेशन है जो ये चल रहा है इम्पल्स ये, अगर ये बंद हो गया तो यहाँ पे होगा दोबारा से ये रिपोलराइजेशन फेज में चला जाएगा। तो मैंने सिर्फ यही चीज़ लिखवाई है यहाँ पे अभी कि आर्टरियल रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि इनिशिएशन बाय द एसए नोड एंड कॉजेज द पी वेव, और मैंने आपको ऊपर भी ये चीज़ लिखवा रखी है पी वेव क्या होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ आर्टरी होता है हमेशा, ठीक है सर। और जो आप पेस मेकर दे सकते हो सर, पेस किस चीज की पेस बना देता है, मतलब किस चीज का पेस बढ़ाता है इंपल्स का। ओके सर, इंपल्स का मतलब जो इंपल्स को जनरेट करता हो। यस सर, सेकंड पॉइंट पे आते, ठीक है सर, एक बार डायग्राम दिखा दो, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड स्टेप क्या हुआ हमारा, वेंट्रिक्युलर डीपोलराइजेशन। अब आर्ट्रिया के अंदर पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया, जो हमने आर्ट्रिया बनाया था अभी ये वाला, है ना। यहाँ पे हमारा ऐसे नोड था और यहाँ पे हमारा ए वी नोड था, ए वी नोड, ऐसे नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया, इम्पल्स को जनरेट किया और ये पहुंचा फाइनली ए वी नोड्स के पास। अब ए वी नोड्स यहाँ पे होता है हमारे बंडल ऑफ फिश, इधर की साइड ये होते हैं बंडल ऑफ फिश होते हैं, ठीक है। ये बंडल ऑफ फिश क्या करेंगे, ये आर्ट्रिया से सिग्नल्स को कैरी करेंगे, तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा, यहाँ पे सिग्नल जाएगा, है ना, एंड देन वो पहुँचाएगा आर्ट्रिया के वेंट्रिकुलर के पास, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डिप्लोजन में होता क्या है, एक मैं एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये होता है अपेक्स, अपेक्स ऑफ हार्ट। यस सर, नीचे होता है सर बेस ऑफ हार्ट, ठीक है। तो एपेक्स ऑफ हार्ट कौन सा होता है, ये नीचे वाला एरिया पोर्शन को, और बेस ऑफ हार्ट होता है ऊपर वाला पोर्शन जो होता है हमारा। तो वेंट्रिकुलर डिप्लोजन में क्या होता है, वेंट्रिकुलर डिप्लोजन वेंट्रिकुलर ओपनिंग इनिशिएट हो जाते हैं सर, हैं सर वेंट्रिकल्स हो जाते हैं सर डिपोलराइज। तो वेंट्रिकुलर डिप्लोजन कैसे स्टार्ट होता है, बिगिंस एट द सर ई वी नोड की वजह से, बिगिंस at apex causing क्या कॉज करते हैं, causing the
URS complex, ठीक है, एंड आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन, ठीक है, आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन occurs. नीचे सिग्नल भेजा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हुआ है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, और ऊपर वाले एरिया में क्या हुआ, रिपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन, नीचे वाले में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऊपर वाले में रिलैक्सेशन चलेगा, ठीक है, ऊपर वाले में रिलैक्सेशन स्टार्ट हुआ है और नीचे वाले में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के अंदर, ठीक है. फिर फोर्थ में क्या होगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन कंप्लीट. एक तो बिगिंस हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ है, और एक खत्म हुआ है, दोनों चीज देखनी पड़ेगी ना. फिर इसके बाद क्या हुआ, पांचवें में क्या हुआ, फिफ्थ स्टेप में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन नॉर्मल स्टेट पे, ठीक है, रिपोलराइजेशन, ठीक है. ये कहाँ पे होता है, ये स्टार्ट्स बिगिंस इन begins at apex, ठीक है, and causing T wave, ठीक है, and हमारा सिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, सिक्स स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ventricular repolarization complete का मतलब है कि डायस्टोलिक कंडीशन आ गया, ठीक है. देखो दोबारा से देखते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं सर. सर ये वेव्स क्यों कॉज हो रही हैं, इन स्टेप्स के जो आपने बताया सर, पी वेव और आर वेव और टी वेव, सर इन वेव्स में और जो आपने स्टेप बताया सर, उनके अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हुए सर बता दो, इससे जो क्यू वेव है सर वो नीचे कैसे हो गई सर. हाँ मैं बताता हूँ आपको. देखो सुनो, होता क्या है कि जनरली आपने देखा होगा मॉनिटर में कुछ इस टाइप की ईसीजी बनती है, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसी देखी होगी आप लोगों ने भी. यस सर ऐसी देखी होगी, है ना. अब होता क्या है कि आपने पी वेव देखी होगी, क्यू आर एस और टी वेव देखी होगी. पी वेव का मतलब होता है कि एक्साइटेशन, मतलब कि एक्साइट मतलब कॉन्ट्रैक्शन. क्यू आर एस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स, और पी वेव का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन इन आर्ट्रिया, और टी वेव का मतलब होता है एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना, मतलब नॉर्मल स्टेट में आना वेंट्रिकल्स का, ठीक है. अब देखो हुआ क्या है, कैसे ये क्यू वेव नीचे जा रही है, कैसे वो मतलब सब कुछ ये कंडीशन हो रही है. सबसे पहले होता क्या है, ऐसे नोड आपको पता है कि राइट आर्ट्री में प्लेस्ड होता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है, इसका मतलब वो इम्पल्स को जनरेट करने वाला एक माध्यम है हार्ट के अंदर, ठीक है. ये इम्पल्स जनरेट होते हैं, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के अंदर. अगर इम्पल्स नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब दिल नहीं धड़केगा, ठीक है. जो दिल लव और डप की आवाज़ निकालता है वो इम्पल्स की वजह से ही निकालता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से ही निकालता है, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन होता है. तो डीपोलराइजेशन में होता क्या है कि ऐसे नोड ने अपने अंदर से सिग्नल को जनरेट किया है. जैसे ही सिग्नल जनरेट हुआ है, जो इम्पल्स है वो धीरे धीरे से आर्ट्रियम के अंदर फैलने लग गया है. पहले तो राइट आर्ट्रियम पे फैला हुआ इधर की साइड, फिर धीरे धीरे वो आगे की साइड गया. जैसे धीरे धीरे वो इम्पल्स फैलता चला जाएगा, वहाँ पे पीछे की साइड कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा. इसका मतलब है हमारी पी वेव बनती हुई चली जाएगी, ठीक है. पी वेव हमारी क्या हो जाएगी, बनती हुई चली जाएगी, ठीक है. सबसे पहले इतना हो गया, इतना समझ में आया सबको. यस सर, आ गया सर. सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट. सर नहीं आया. आर्टेरियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट कब होगा सर, अभी सर अभी नहीं आया जो आपने बताया. क्या समझ में नहीं आया बताओ सर. वो पी वे वगैरह मुझे समझ में नहीं आया, आप जो बता रहे थे सर. मेरे को बता हार्ट कैसे काम करता है सर. हार्ट तो मैंने तुझे सिखाया, चल वही बता दे छोड़.
बाकी आगे का मैं नहीं पूछ रहा, ठीक है? ओके सर, बता दें मैंने तेरे को क्या बताया सर, आपने जब ट्रांसपोर्टेशन कराए थे तब आपने बताया था ट्रांसपोर्टेशन का, बता चलिए मैंने हार्ड बना दिया यहाँ पे। यस सर, हार्ड बना दिया। ठीक है, अब बता दें सर पहले तो सर इनफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है आ गया ब्लड, हार्ट ये ले हार्ट ब्लड के अंदर। आ गया। हाँ यहाँ पे ब्लड आ गया, उसके बाद कहाँ सर, पे आ गया? उसके बाद सर हार्ट जो है ना अरे वो, कहाँ पे ब्लड आ गया, ये ब्लड तू लेके आया है सुपीरियर वेना केवा इनफीरियर वेना केवा से, कहाँ पे आया है? सर ये लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम में आया है। क्या बात कर रहा है सर, राइट में आएगा, राइट में आएगा, राइट में आ गया। चलो ठीक है, आर्टरी में आ गया, ठीक है। उसके बाद से हार्ट से हाँ एक्सपैंड करेगा, मतलब हार्ट जो है वो जब ये ब्लड आया तो हार्ट क्या कंडीशन में था? सर जब ये ब्लड आया तब हार्ट जो अपनी नॉर्मल कंडीशन में था, नॉर्मल मतलब का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड था। सच्ची यस सर, सच्ची सर रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। ऐसे कैसे भाई, दोबारा सोचे सिस्टम, दोबारा सोच। सर रिलैक्स था और फिर इसके सर कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उसके बाद जब रिलैक्स होगा तो फिर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो खुलेगा और ब्लड अंदर जाएगा राइट वेंट्रिकल के। गलत बता रहा है, पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रहेगा ही नहीं जब ये ब्लड यहाँ पे आएगा। चल ठीक है, तेरे साथ में यहाँ पे ब्लड आ गया, यहाँ पे ब्लड आ गया, अब क्या होगा? सर यहाँ ब्लड उसके आ गया, बाद सर ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा सर, उसमें खिंचाव होगा हार्ट स्ट्रिंग की वजह से तो वो खुल जाएगा। ये खुल गया मान ले, फिर उसके बाद सर ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, अच्छा फिर यहाँ पे ब्लड आ गया तेरा, फिर फिर उसके बाद सर ये पल्मोनरी वेन से जो है, सॉरी ये वेन थोड़ी ना ये। हाँ सर ये तो सर पल्मोनरी आर्टरी है, सर पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये जाएगा लंग्स में। ये कैसे जा रहा ऊपर ऊपर? चल तू नीचे तो लिया है इसे, तो ऊपर कैसे भेज रहा है इसको? कॉन्ट्रैक्शन से सर, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन सर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करते हैं ना कार्डियक कैसे मसल्स, कर तो रही है, कैसे उसके कर रही है, कैसे कर रही है, कैसे कर रही है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कैसे हो रही है? सर उनमें इंपल्सेस आ रहे होंगे वैस। इंपल्स, यहाँ पे इंपल्स मतलब इंपल्स आते हैं तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। वो इंपल्स कौन भेजता है? वो एसए नोड भेज रहा है यहाँ से, यहाँ पे जो एसए नोड है अपना, यहाँ पे जो एसए नोड है हमारा, यहाँ से इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, उसकी वजह से ऊपर वाले एरिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ पहले, फिर नीचे वाले एरिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना? ऊपर वाला एरिया रिलैक्स हो जाएगा, नीचे वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे वाला एरिया भी रिलैक्स हो गया, ऊपर वाला एरिया भी रिलैक्स हो गया, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक फेज। अब बता, अब मान ले तेरा ब्लड यहाँ पर आ गया तो ऊपर कैसे भेजेगा? क्योंकि हार्ट तो हमारा ऐसे होता है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है यस सर, ग्रेविटी हमारा, तो ऊपर यस कैसे सर, भेजेगा? नीचे वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? इम्पल्स जनरेट हुआ यहाँ से, इम्पल्स जनरेट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के अंदर। अब बता मेरे, उसके बाद सर लंग्स में चला जाएगा ब्लड। अब तेरे को समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ तेरे को? यस सर, ठीक है ऐसे नोड वाला समझ में आया। आ गया ना, यस देखो सर, अब इधर आ जा, इस वाले डायग्राम पर आ जा। जब ऐसे नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया तो यहाँ से इम्पल्स मतलब स्टार्ट हो गए चलने, ठीक है? अब आपको पता है कि हमने कोई हॉट चीज़ को, ये कोई आग लगी हुई है यहाँ पे, हमने उसको छुआ, ठीक है? तो यहाँ से भी तो इम्पल्स जनरेट होते हैं ना हमारे, यस होते नहीं सर, होते हैं? होते यस हैं सर ना, होते हैं, फिर वो इम्पल्स कहाँ जाते हैं? आगे जाते हैं, यस सर हमारे ब्रेन तक ब्रेन जाते हैं, तक जाते हैं, ब्रेन से वापस आता है, सिग्नल आता है वापस, है ना? यस तब सर, जाके हम हाथ लगाते हैं, तब जाके पता लगता है कि गर्म चीज़ है, ठीक है? ओके सर, यस ठीक है, सर, तो
तो हम हाथ हटा लेंगे तो इम्पल्स जनरेट हुआ ना यहाँ पे ऐसे ऐसे नोड का काम होता है इम्पल्स को जनरेट करना ठीक है okay, जनरेट करना काम होता है ऐसे नोड का इसलिए हम इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट ठीक है ओके सर तो ये इम्पल्स जनरेट हुआ यहाँ पे जहाँ पे इम्पल्स चलता चला जाएगा वहाँ का एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा ठीक है फाइनली ये लौट के कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा इस वाले एरिया में आ जाएगा है ना ऐसे ए बी नोड के पास आ जाएगा इसका okay. मतलब ऊपर ऊपर वाला पूरा एरिया क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ब्लड नीचे आ गया हमारा निचुड़ गया है ना एक होता है कि एक होता है कि गेट खोल दिया ब्लड आ गया एक होता है कि फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करें हमें ब्लड को पूरा निचोड़ दे नीचे की साइड ओके सर ठीक है तो वो नीचे से ब्लड आ गया ब्लड आने के बाद होता क्या है कि अब इम्पल्स यहाँ पे आ गया इम्पल्स कहाँ जाएगा नीचे की साइड जाएगा मतलब वेंटिकल्स में जाएगा जब वेंटिकल्स में इम्पल्स जाएगा तो नीचे की साइड धीरे धीरे फ्लो करेगा है ना तो ये एरिया जब पूरा 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 इम्पल्स से भर जाएगा तो पूरा पूरा एरिया का जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ब्लड कहाँ चल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पल्मोनरी में आर्टरी में ना और यहाँ पे सेमिलूनर वॉल्व होती है यस सर ये बताया था आपने सेमिल्यूनर वॉल्व है ना तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएगी जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा वेंटिकल्स में वैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएगी और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी तो नीचे वाला एरिया जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्लड चला जाएगा हमारा आर्टरीज में मतलब पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और यहाँ तो यहाँ पे ब्लड आएगा वो ऑर्टा के अंदर चला जाएगा और जिसकी वजह से हमारी पीवे बनी है मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो एक पीवे बनती है हमारी ठीक है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो पीवे बनती है आर्टरी उसके अंदर आर्ट्रियम के अंदर ठीक है जब आर्ट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एबी नोड्स के पास हमारा इंपल्स आ गया है यस सर ठीक है तो ये पी वे पूरा पूरा कंप्लीट हो गया मतलब कि आपकी ये लाइन बन चुकी है आपकी ठीक है अब उसके बाद क्या होता है कि एक डिले फेज आता है क्या आता है डिले फेज आता है जब एबी नोड्स के पास इंपल्स होते हैं ठीक है और बंडल ऑफ हिस्स पे जब वो सिग्नल भेजता रहता है तो बंडल ऑफ हिस्स पे जब सिग्नल भेजेगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा डेविएशन होता है नीचे की साइड सर सर ये डेविएशन नहीं आया था सर समझ में मुझे देखो होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ से हॉस्पिटल जाऊँगा 8 बजे करीब ठीक है तो बीच वाला जो एरिया है मेरा जो मैं ट्रेवल करूंगा बीच वाला एरिया वो मेरा बंडल ऑफ हिस्स हो गया Yes, sir. मैं, okay, अभी, sir. मैं अभी घर पे हूँ तो मेरा आर्टरी आई है ठीक है मैं यहाँ से रेडी होकर 8 बजे निकलूंगा और ये लेकिन जो मेरा बीच का रास्ता है ना ये मेरा बंडल ऑफ हिस हो गया तो बीच वाले रास्ते पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अंदर हॉस्पिटल के जाऊंगा तो मैं दोबारा एक्साइट हो जाऊंगा मतलब मेरा काम करना मतलब मुझे वर्किंग करनी ही पड़ेगी मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी है ना तो ये बंडल ऑफ हिस एक पाथवे है जो जो आर्टरिया से लेके और वेंट्रिकल पे जोड़ता है मतलब इंपल्स को जोड़ता है इंपल्स को ट्रेवल करवाता है एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब आर्टरी वाले एरिया से लेके और वेंट्रिकल पे पहुंचाता है ये तो जब तक यहाँ पे इंपल्स रहते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा नीचे वाले एरिया में यस सर ठीक है सर सर जब कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा सर सर तो फिर तो लाइन बनी रहनी चाहिए सर सर तब वो नीचे क्यों आ रही है लाइन सर ऊपर ही मतलब नॉर्मल लेवल रहना चाहिए सर क्योंकि ये हमारा रेस्टिंग फेज में चला गया ना ये हमारे कहाँ चला गया रेस्टिंग फेज में और सर रेस्टिंग फेज ही तो मतलब नॉर्मल लाइन होता है ना नहीं यार ऐसी बात मतलब माइनस पोटेंशियल में चला गया हमारा सॉरी प्लस वाले पोटेंशियल में चला गया हमारा ठीक है मतलब माइनस प्लस 20 मिली वोल्ट पे आसपास ही पहुंच गया नीचे की साइड सर सर वैसे अगर हम डेड वाला डेड बॉडी का केस देखे थे सर सर उसमें तो सर पूरा का पूरा हार्ट ही रेस्ट रहता है सर वो तो सर उसमें नॉर्मल लेवल पूरी स्ट्रेट लाइन होती है सर उसमें अगर ये केस होगा तो सर वो तो कोई लाइन नीचे जानी चाहिए ना भाई वहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है ना वहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं यस सर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही नहीं है वहां पे इंपल्स जनरेट नहीं हो रहे वहां पे तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही दिखाएगा आपको ऐसे करके सीधी
तो नॉर्मल सा जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका पोटेंशियल जीरो होता है। हाँ जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो पाता, ये क्या जरूरत। ओके सर, सर मतलब जब सर जो जिंदा आदमी होता है सर उसमें नॉर्मल पोटेंशियल मिली प्लस 20 मिलीवोल्ट्स होता है, और सर वो पी वेव में ऊपर नीचे होता रहता है, और सर जब वो पूरा रेस्ट में हो जाता है सर वो नीचे हो जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो। ओके सर आगे। उसके बाद क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स में डिप्लाइशन स्टार्ट होता है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला ना बड़े वाला, ठीक है। अब क्या रहा है, यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अब नीचे का डेविएशन आ गया है ना, मतलब हाइपर पोलराइजेशन हो रही है, हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाले का फेज स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया कंप्लीट, अब उसके बाद का फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब हमारा वेंट्रिकल्स में कॉम्प्लेक्स, मतलब ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, वेंट्रिकल्स में ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, डिप्लॉइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद का फेज है। क्योंकि कुछ सेकंड के लिए हार्ट ना क्या करता है, उसी स्टेट में रुकता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी उसी स्टेट में रुकता है कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से डाइल्यूशन स्टार्ट होता है एंड देन फिर से वो टी वेव बना के ये अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। सर सर हाइपर पोलराइजेशन में वो जो हमारा पहले का पोलराइजेशन था उससे भी ज्यादा हो जाता है पोलराइजेशन। हाँ हाँ प्लस 20 में पहुंच जाता है, प्लस 25 पे, सॉरी प्लस 25 से 30 तक पहुंच सकता है। ओके सर, और सर फिर लास्ट में टी वेव कैसे बनती है सर? क्या चीज सर? फिर लास्ट में टी वेव कैसे बनती है सर, वो वाला स्टेप? टी वेव तो बनती है जब सारे का सारा फेज क्या होता है, रिलैक्सेशन पे आ जाता है, मतलब जब वेंट्रिकल जो वेंट्रिकल जो होता है वो रिपोलराइजेशन की साइड बढ़ता होता है, मतलब सर फिर से पी वेव बनेगी अब। हाँ, जब हमारा सिग्नल यहाँ से जाके आगे जाके यहाँ पे जा रहा होता है तो पीछे की साइड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होकर रिलैक्सेशन होता है, स्टार्ट हो जाता है। यस सर, तब वो टी वेव आती है। तो सिंपल सा फंडा ये सिर्फ स्टेप याद रखो आप, अभी देखो ये रहा स्टेप हमारे, एक आर्टेरियल डिप्लोजन कंप्लीट, वेंट्रिकल डिप्लोजन कंप्लीट और वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, ठीक है। अब बाकी यस सर, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। देखो अब एक्चुअली क्या, क्लास लगाने का अब फायदा नहीं है, अब हम करेंगे रिवीजन, ठीक है। यस सर, में हम करेंगे ह्यूमन से स्टार्ट करेंगे इस बार। यस सर, प्लांट वाला से सर हो गया, मेरे ख्याल से प्लांट पे तो आपका हाफ साफ हो गया अच्छी तरह। यस सर, प्लांट पढ़ लिया सर मैंने। यस सर, बिल्कुल इसको नोट कर लो आप। सर जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है उसमें कैसा होगा ईसीजी? उसमें डिफरेंट आता है, मतलब कोई चीज नहीं आएगी, मतलब मान लो कि ये जैसे पीआर इंटरवल है, ये इसकी लेंथ बड़ी हो गई है, मतलब ऐसे आया, ये बड़ी हो गई है, फिर नीचे आके ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ हम नोट करते हैं कि इसमें कुछ मतलब डिफेक्ट तो नहीं है, इसको नोट करो जल्दी फटाफट, टाइम हो रहा हमारा। सर ईसीजी जो आपने राइट में सर एचआर बीपी एसपीओटी सर जो लिखा है आपने राइट में सर, इसमें जो लास्ट आरआरएफ सर वो क्या है? रेस्पिरेटरी रेट सर। एसपीओ2 क्या है? ऑक्सीजन लेवल, पार्शियल सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड प्रेशर सर, पार्शियल ऑक्सीजन तो हम सर वो ऑक्सोमीटर होता है ना सर उससे करते हैं। हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर होता है ये, हाँ, ठीक है। तो नोट कर सर, एक बार नीचे कर देना सर, नीचे का नोट कर स्टेप्स। कौन सा, ये वाला स्टेप्स? यस सर, फोर्थ और फिफ्थ। देखो मैं तुम्हारी क्लास नहीं रखूंगा।
अब मैं तुम्हारी क्लास सिर्फ रिवीजन के लिए रखवाऊंगा, ठीक है? यस सर। रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लाइफ प्रोसेस, ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, देन रिप्रोडक्शन, देन हमारा जेनेटिक्स, ठीक है, एंड देन लास्ट के दो चैप्टर जो हमारे इकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है? तो अगर चाहो तो एक दिन में एक चैप्टर भी ख़त्म हो सकता है दोबारा से हमारा रिवीजन के थ्रू। तो हर क्लास में एक चैप्टर करेंगे तो अगर रिवाइज आपको बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। सर सिर्फ बोर्ड का सिलेबस ही करेंगे ना, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम सारे कवर अप कर लेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको करना वो कर लेगा, जिसको नहीं करना वो आगे बढ़ जाना। ओके ठीक है, नोट हो गया सर। सर ये ईसीजी से डॉक्टर्स को सर बेसिक इंफॉर्मेशन क्या मिलती है बॉडी के बारे में? मतलब हार्ट ढंग से काम कर रहा, फंक्शन कर रहा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ढंग से हो रहा नहीं हो रहा है ना सर? डिफेक्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स पता चलता है इससे? हाँ हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो ब्लड पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाएगा, ऑक्सीजन ब्लड जो है जो आरबीसी हमारी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, जब ब्लड ही नहीं पहुँच पाएगा है ना, टिश्यू के अंदर ब्लड मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर सर अगर किसी का सर हाथ में सर एक मेजर इंजरी आ गई सर और आर्टरी फट गई और सर ब्लड लीकेज हो रहा है, तो सर कौन इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में सर कौन सी वेव में डिफरेंट डिफिकल्टी आएगी या कौन सी में डिफरेंस दिखेगा? तेजी से ग्राफ बनाएगा, मतलब तेजी से वो ग्राफ बनाएगा आपका, दो चीज़ में इफेक्ट करेगा वो। एक तो आपको मतलब ब्लड लॉस होगा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर बीपी इंक्रीज हो गया मतलब हार्ट आपका बहुत तेज़ी से पंपिंग कर रहा है, क्योंकि वो क्रिटिकल स्टेज होगा उस समय की, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो वो उसमें हार्ट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर। फास्ट हार्ट बीट पे पीआर इंटरवल कम हो जाएगा। और कर लिया आपने? यस सर कर लिया। डन। तो हम ऐसे करते हैं, मैं अब आपकी सिर्फ रिवीजन क्लास लगवाऊंगा, ठीक है? लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और ह्यूमन वाला जो फेज है हमारा उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ह्यूमन वाला जो फेज है हमारा, ठीक है? तो ह्यूमन वाला प्लस प्लांट वाला आपको पूरा का पूरा चैप्टर मतलब याद करना है, और आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो रिवीजन क्लास में हम देख लेंगे उसको, और बाकी चीज़ें आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है इसमें इस वाले टॉपिक में क्या बोलते हैं इस पर लाइफ प्रोसेस वाले में वो मुझे बता देना आप लोग, टॉपिक वगैरह वो दोबारा से मैं करवा दूँगा उसको, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया या जो मान लो कि एक्स्ट्रा लग रहा है आपको वो नहीं करवाया गया है उसे भी मुझे बता देना उसी टाइम पर। तो रिवाइज क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे पहले लाइफ प्रोसेस, ठीक है? ओके सर। सर एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा करा दिया आप तो। कोई बात नहीं भाई, अभी डिमांड होती है तो मैं कुछ। यस सर। ठीक है ये सर बहुत बढ़िया सर हुआ एक्स्ट्रा वाला। आपको ये चैप्टर खत्म करना है, चैप्टर 6 है हमारे, ठीक है? इसका मैं ओरली टेस्ट भी लूंगा, वैसे भी अब तो मे बी ऑनलाइन ही मतलब ऑफलाइन भी मैं ले सकता हूँ डाउट्स वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसका मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगा है ना, मतलब ओरली। सर आप कैलेंडर में ऑफ नहीं ना हो गए? हाँ एक दो दिन के लिए वीक में, ठीक है? तो सर अलाउ हो गया कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन आना? नहीं, एक एक बच्चा तो आ ही सकता है डाउट पूछने के लिए। ओके सर। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं मतलब रेस्पिरेशन हो गया है, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है? तो ये जितने भी टॉपिक हैं हमारे इसके अंदर, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, आपको दोनों ही कवर करने हैं, दोनों याद करने हैं सीबीएसई लेवल पे, ठीक है? तो मैं ओरल टेस्ट लूँगा प्लस मैं आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी रखूँगा मैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ।
सर सर ऑफलाइन में सर कितने घंटे का ले सकते हैं सर डाउट सेशन? वो डिपेंड करता है, अब मैं आऊंगा वहां पे तो खाली टाइम पे आऊंगा बिल्कुल। जैसे मतलब एक दो घंटा मान के चलते हैं। रात में आओगे? सर रात में आओगे? सर एक दो घंटा मान के चलेंगे क्या? सर एक दो घंटा होगा ना, तो पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ओके सर देख सर अपने एडवांस डाउट ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ले आना, मिल भी लेंगे आप लोगों से। सर रात में आओगे? इवनिंग में आ जाऊंगा। ओके सर ठीक है, रात में सर उसी टाइम पे आ जाना सर, 4 बजे आ जाना और सर फिर 8 बजे 7 बजे पे जाना। ठीक है ठीक है, ओके सर। ओके सर ओके सर, मतलब रिवीजन के आपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करना है। ओके सर ओके सर ओके, मिलते हैं। गुड इवनिंग सर। ओके सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।